सलमान खान की मदद करने वालों को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चेतावनी। आज हम बात करेंगे एक गंभीर मामले की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाबा सिद्दीकी, जो कि 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री थे, की हत्या शनिवार रात बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के कार्यालय के पास हुई। इस हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने एक चेतावनी दी है। गैंग ने यह भी कहा है कि जो लोग सलमान खान की मदद करेंगे, वे उनकी लक्ष्मण रेखा में आ जाएंगे। यह सब तब शुरू हुआ जब सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई। पोस्ट में शुभाम रमेश्वर लोंकर, जो कि बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं, ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने लिखा, सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वालों को अपने हिसाब किताब ठीक कर लेना चाहिए। सिद्दीकी को दाऊद इब्राहिम से जुड़े होने के कारण और सलमान खान के करीबी होने के चलते निशाना बनाया गया। यह घटनाक्रम तब और गंभीर हो गया जब एक अन्य संदिग्ध अनुज थापान पुलिस हिरासत में मृत पाए गए। पुलिस का कहना है कि थापान ने आत्महत्या की, लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया। सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान ने हाल ही में अस्पताल जाकर सिद्दीकी का हाल जाना था। बिश्नोई गैंग ने पहले भी सलमान खान के करीबियों पर हमले किए हैं। पिछले साल पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की गई थी और इसका कारण बताया गया था कि उन्होंने खान की तारीफ की थी। गायक एपी ढिल्लन के घर पर भी फायरिंग हुई थी, जो सलमान खान के साथ अपने गाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, सलमान खान को इतना बड़ा खतरा क्यों? बिश्नोई गैंग का कहना है कि सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में काले हिरणों का शिकार किया था, जिससे बिश्नोई समुदाय को गहरा आघात लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट में कहा था, हम सलमान खान को जोधपुर में मार देंगे, जब हम कार्रवाई करेंगे तो सबको पता चलेगा। इस मामले में सुरक्षा को देखते हुए सलमान खान के घर के पास और मलाबार हिल क्षेत्र में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।